Good morning, student. Today we will start fill in the blanks. In last class we had read, choose and write the correct option. Then so आज हम fill in the blanks read करेंगे. So first is Prince patted a dash in the garden. Prince जो थे उसने क्या पालना start किया था? Sparrow और peacock. So right answer is sparrow. ठीक है, उन्होंने अपने garden में Prince ने sparrow को पेट करना पालना स्टार्ट किया था. ठीक है, द डैश ऑफ द बेबी पैरट हियर द सैड न्यूज़ दैट हिज सन वॉज डेड. किसने सुना कि उसके बेबी मतलब उसके बच्चों को मार दिया है, उसके बच्चे को मार दिया बेबी पैरट को, और वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ. तो जो फादर पैरट थे, उन्होंने जब बेबी पैरट का न्यूज़ सुना कि उसको मार दिए हैं तो वो बहुत सैड हुआ. देन थर्ड वाला, द डैश रिक्वेस्टेड द पैरट फॉरगेट ऑल दैट that has happened and please return. So किसने request किया father parrot से कि सब चीज़ तुम भूल जाओ, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ और please वापस लौट आओ. So king या prince ने, so right answer is prince. Prince ने request किया father parrot से कि वो वापस आ जाए. Then fourth वाला, parrot and sparrow started fighting and the dash packed the sparrow. पैरोट और जो स्पैरो थे उन्होंने आपस में लड़ाई करना स्टार्ट हुआ. फिर किसने स्पैरो को मार दिया, बर्ड ने या पैरोट ने? सो राइट आंसर इज पैरोट. जो बेबी पैरोट था उसने स्पैरो को मार दिया. देन क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज द प्रिंस एंड द बेबी पैरोट ग्रो अप टुगेदर. जो प्रिंस और जो बेबी पैरोट था वो साथ में बड़े हुए थे. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. देन सेकेंड वाला, द प्रिंस पेटेड अ पिकॉक इन द गार्डन. प्रिंस ने अपने गार्डन में पिकॉक को पालना स्टार्ट किया था क्या? सो नो, ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स. प्रिंस पेटेड अ स्पैरो, पिकॉक नहीं, स्पैरो को पेट कर रहे थे. देन थर्ड, द पैरोट लाइक इट एज द स्पैरो वॉज हिज फ्रेंड. जो पैरोट जो था उसको वो पसंद करता था क्या स्पैरो को एज अ फ्रेंड? सो नो, पैरोट क्या समझता था? स्पैरो उसका एनिमी है. सो स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स. देन फोर्थ वाला, द प्रिंस रिक्वेस्टेड द फादर ऑफ बेबी पैरेट. जो प्रिंस थे उन्होंने फादर जो थे बेबी पैरेट के जो फादर थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि वापस आ जाए. सो ट्रू, हाँ उन्होंने क्या, प्रिंस ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया बेबी पैरेट के फादर से कि वो वापस आ जाए. थैंक यू.